मेरा नाम अंतरा सिंह है। मैं बाल भारती पब्लिक स्कूल एनटीपीसी खरगोन के कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष आधुनिक काल की अनिवार्यता डिजिटल उपवास के बारे में कुछ विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के दौर में प्रत्येक राष्ट्र के लिए डिजिटलाइजेशन कितना आवश्यक हो चुका है, चाहे वो सरकारी कार्यालय हो या फिर शिक्षण संस्थान, सभी के लिए डिजिटलाइजेशन अति आवश्यक बन चुका है। लेकिन इसके अनावश्यक प्रयोग की वजह से ये बच्चों और वयस्कों के लिए अभिशाप बन चुका है। अमेरिकन जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स के अनुसार अगर 18 महीने या उससे कम उम्र का बच्चा 15 से 20 मिनट मोबाइल में बिताता है तो यह उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। उसी प्रकार ब्रिटेन के ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी म्यूजिक मैंग्वायर के सर्वे के अनुसार 6 साल से कम उम्र के 25% बच्चों के पास शाम का मोबाइल फोन है। वह सप्ताह में कम से कम 30 से 35 घंटे उस मोबाइल फोन में गेम्स या वीडियोस देखते हुए बिताते हैं। यही मानसिक विकार का मुख्य कारण है। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पी अग्रवाल के अनुसार व्यस्कों में भी चिड़चिड़ापन, अनिद्रा और बेचैनी की समस्या बढ़ती जा रही है, जिससे गंभीर बीमारी की संभावना बढ़ रही है। इसीलिए मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि जिस प्रकार सप्ताह में एक दिन उपवास रखने से स्वास्थ्य अच्छा होता है, उसी प्रकार हमें भी सप्ताह में एक दिन डिजिटल उपवास रखना चाहिए, अर्थात डिजिटल उपकरणों के प्रयोग में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। अंत में एक पंक्ति द्वारा अपने इस भाषण को विराम देना चाहूंगी। आज सभी से यही है कहना, सप्ताह में एक दिन डिजिटल उपकरणों से दूर ही रहना, दिल के पास जो इन्हें बैठाया